नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज की वीडियो में हम पीरामल फार्मा लिमिटेड स्टॉक का प्राइस को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि स्टॉक का प्राइस आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन फाइनली ब्रेकआउट किया है एंड किस टाइप का सेटअप शो कर रहा है, क्या टारगेट बनेगा, क्या रिस्क बनना है, डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज यूजल किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक का सेक्टर क्या है एंड इंडस्ट्री क्या है। अगर आप स्टॉक का सेक्टर देखेंगे फार्मा का एंड इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल इंडियन बल्क ड्रग्स का। जैसे कि स्टॉक का जो मार्केट कैप है अराउंड 19,983 करोड़ का, कंपनी के पास रिजर्व कैश है 6,435 करोड़ का, करंट प्राइस चल रहा है 151 एंड बुक वैल्यू है 58 के आसपास एंड जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है 0.58 जो कि मैनेजेबल है। किसी भी स्टॉक का डेप्ट इक्विटी रेशियो बिलो 1 आप उसको मैनेजेबल कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप यहां पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स देखेंगे, देखिए सेल्स का ग्रोथ लगभग यहां पे फ्लैट है, लेकिन नेट प्रॉफिट यहां पे लगभग डबल हो गया है जो पॉजिटिव साइन है एंड जिस टाइप का ईपीएस यहां पे डबल शो कर रहा है एंड प्राइस में जिस टाइप का ब्रेकआउट देखने को मिला है, लुक्स लाइक आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस लाइफ हाई को टेस्ट करेगा, उसके बाद बड़ा अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि आगे हम चार्ट में एनालिसिस करेंगे। एंड इस कंपनी का जो रिजल्ट है ना, क्वार्टर फोर का रिजल्ट 10th मई को आ रहा है, उसी डेट के ऊपर भी फोकस कीजिएगा। जिस टाइप का प्राइस स्ट्रक्चर शो कर रहा है, लुक्स लाइक इस क्वार्टर का रिजल्ट इसका अच्छा आ सकता है, क्योंकि प्राइस हमेशा से फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जाएंगे, प्रमोटर के पास है 35%, एफआई यहां पे शेयर होल्डिंग 2% डिक्रीज की है, फिर भी अभी 30.58% होल्ड कर रहे हैं। डीआई होल्ड कर रहे हैं 12.12% एंड डीआई यहां पे 3% शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किए हैं एंड पब्लिक यहां पे शेयर होल्डिंग को डिक्रीज किए हैं जो कि पॉजिटिव साइन है। किसी भी स्टॉक में पब्लिक अगर शेयर होल्डिंग को डिक्रीज करते हैं उसको पॉजिटिव कैटेगरी में ले सकते हैं। देखिए टोटल माल यहां पे पब्लिक के पास है 22 एंड इसमें से 1.5% होल्ड कर रहे हैं बिग इन्वेस्टर, 21% होल्डिंग एक मैनेजेबल क्वांटिटी है पब्लिक कैटेगरी में। अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर जहां पे एक स्ट्रांग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने देखिए जो चार्ट ओपन हुआ है, ओपन है पीरामल फार्मा का। आज यूजल प्राइस हमेशा से एक चैनल को फॉलो करता है, प्राइस अगर ऊपर जाएगा अप ट्रेंड चैनल, नीचे आएगा डाउन ट्रेंड चैनल एंड कंसोलिडेशन करता है तो फ्लैट चैनल के अंदर कंसोलिडेशन करता है। एक्जल देखिए स्टॉक का प्राइस यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा था एंड इस डाउन ट्रेंड चैनल को प्राइस यहाँ पे 2023 मई मंथ में ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद देखिए प्राइस यहाँ पे इस अप ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा है एंड इस अप ट्रेंड चैनल का अपर बाउंड्री के आसपास जब भी जा रहा है प्राइस को देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है एंड लोअर बाउंड्री से देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे डिमांड देखने को मिला है। इसका मीनिंग है कि जो ब्लैक लाइन यहाँ पे जा रहा है ना, ये हो गया स्टॉक का प्राइस के लिए मोमेंटम लाइन एंड एक ट्रेंड लाइन। जिस लेवल को देखिए प्राइस जब भी टेस्ट कर रहा था प्राइस को वहां पे मल्टीपल टाइम डिमांड देखने को मिला है एंड फाइनली 2024 मार्च में देखिए प्राइस के लिए जो मेजर सपोर्ट बन रहा है उसी लेवल को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे बाउंस करके एक रेंज को यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर अभी हम डेली टाइम फ्रेम में फोकस करेंगे तो देखिए प्राइस के लिए जो 148 का लेवल जो कि स्टॉक का प्राइस के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस था, जिस लेवल से प्राइस को देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला था एंड फाइनल देखिए प्राइस के लिए जो कंसोलिडेशन जोन था ना, जो कि 148 का रेजिस्टेंस लेवल था, उसी लेवल को यहाँ पे स्ट्रॉन्गली ब्रेकआउट कर दिया है डेली टाइम फ्रेम में एंड जिस टाइप का ब्रेकआउट देखने को मिला है, लुक्स लाइक आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस उसका लाइफ हाई को टेस्ट करेगा जो कि लेवल बन रहा है 195 एंड 195 को ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट टारगेट बनेगा 280। क्यों आगे हम फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू कवर करेंगे। इसी केस में जो उसका प्रीवियस स्विंग लो है वहां पे हम एग्जिट पॉइंट को डिसाइड कर सकते हैं जो कि बन रहा है 133। अगर स्टॉक का प्राइस 133 लेवल को ब्रेक कर लेता है उसी केस में चार्ट सेटअप इनवैलिड हो जाएगा, नहीं तो आने वाले टाइम में लाइफ हाई को टेस्ट करेगा 195 एंड 195 को ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा, इसलिए अभी हम यूज करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन को जो कि 1.600 का फिबो लेवल बन रहा है 280। तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि 195-280 दोनों टारगेट को टेस्ट कर सकता है। रिस्क को डिफाइन करने के लिए 133 के आसपास आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं जो कि उसका प्रीवियस स्विंग लो है एंड हमेशा से क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ हम डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।